देखिए, आज संसदीय बोर्ड की बैठक होगी लोकसभा चुनाव को लेकर। यह बैठक हो रही है, संसदीय बोर्ड की यह बैठक है। बैठक के बाद उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो सकता है। गिरिडीह लोकसभा सीट पर आजसू अपना उम्मीदवार देगा। गांडेय उपचुनाव को लेकर भी संसदीय बोर्ड की बैठक में चर्चा होगी। संसदीय बोर्ड की बैठक में आजसू प्रमुख सुदेश महतो मौजूद है, चंद्रप्रकाश चौधरी, उमाकांत रजक, रामचंद्र सहिस कुशवाहा, शिवपूजन मेहता भी मौजूद है। आजसू संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। यह बैठक हो रही है, बैठक के बाद उम्मीदवार के नाम का ऐलान होगा। गिरिडीह लोकसभा सीट पर आजसू अपना उम्मीदवार देगा। गांडेय उपचुनाव को लेकर भी संसदीय बोर्ड की बैठक में चर्चा होगी। तो देखिए, संसदीय बोर्ड का आज संसदीय बोर्ड की बैठक जो है चल रही है, और सुदेश महतो मौजूद है, चंद्रप्रकाश चौधरी, उमाकांत रजक, रामचंद्र सहिस कुशवाहा, शिवपूजन मेहता सभी बैठक में मौजूद है, और उम्मीदवार का ऐलान किया जा सकता है लोकसभा चुनाव को लेकर। ये बैठक चल रही है। बैठक खत्म होने के बाद उम्मीदवार के नाम का ऐलान होगा। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश फोनलाइन पर जुड़ा है, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए, आज संसदीय बोर्ड की बैठक जारी है, गिरिडीह लोकसभा और गांडेय उपचुनाव को लेकर चर्चा चल रही है, उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगने की भी बात आ रही है, क्या कुछ बैठक को लेकर अपडेट? नहीं, देखिये, अब से थोड़ी देर पहले ही आजसू संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हुई है। जो तमाम सदस्य है संसदीय बोर्ड के, वो इस बैठक में मौजूद है। मसलन अगर हम बात करें, आजसू प्रमुख सुदेश महतो की मौजूदगी है, चंद्रप्रकाश चौधरी हैं, उमाकांत रजक हैं, रामचंद्र सहित हैं, इसके अलावे कुशवाहा, शिवपूजन मेहता हैं। तो तमाम लोग जो संसदीय बोर्ड के मेंबर हैं, वो तमाम चेहरे इस बैठक में मौजूद हैं। और गिरिडीह में चूंकि आजसू अपना उम्मीदवार देगा, तो उम्मीदवार कौन होगा उसके नाम पर मंथन होना है, और थोड़ी देर के बाद आप कह सकते हैं कि महज एक घंटे के बाद उम्मीदवार के नाम का घोषणा भी हो जाएगा। हालांकि ये पहले से तय माना जा रहा है कि उस सीट पर पूर्व में जो उनके प्रत्याशी थे, जो वर्तमान में वहां से सांसद भी हैं, चंद्रप्रकाश चौधरी, वही इस बार भी उम्मीदवार होंगे। पार्टी उन्हीं पर दाव लगाने जा रही है, ये लगभग तय माना जा रहा है, और जिसकी औपचारिक घोषणा कुछ घंटों के बाद हो जाएगी। इसके अलावा गांडेय में भी उपचुनाव है, पार्टी की नजर है कि गांडेय में प्रत्याशी दिया जाए, तो उस पर भी संसदीय बोर्ड की बैठक में जो है मंथन होगा, विचार विमर्श होगा, और इन बीजेपी के साथ कैसे समन्वय बनाकर इस चुनाव में चला जाए, क्योंकि कई सीटें हैं जहां बीजेपी को आंसू की जरूरत है और आंसू जो है एनडीए फोल्डर में है। तो ऐसे में किन किन सीटों पर किस तरीके से जो बीजेपी के उम्मीदवार है उनको मदद कर सकती है आंसू, उन तमाम विषयों पर आज जो संसदीय बोर्ड की जो बैठक जो बेहद महत्वपूर्ण होती है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, तो उस बैठक में उन तमाम विषयों पर चर्चा होना है। सबसे महत्वपूर्ण है गिरिडीह सीट पर उम्मीदवार के नाम का घोषणा, जो कुछ घंटों के बाद हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।